सर बेशरम रंग सॉन्ग जब से रिलीज हुआ रिकॉर्ड्स बना रहा है, क्या लगता है गाना 100 मिलियन व्यूज तक कब तक पहुंच पाएगा? हाँ जी देखिए जल्दी पहुंच जाएगा, जिस स्पीड से चल रहा है उसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों बाद हमें सीधे उस पर 100 मिलियन व्यूज दिखने वाले हैं। अभी आप देखिए सिर्फ 5 दिन हुए भैया 160 मिलियन से ऊपर उस पर व्यूज़ हो चुके हैं। आप देखिए आमतौर पर हम देखते हैं एक ही दिन में 50 मिलियन व्यूज 100 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, वो एडवर्टीजमेंट से आते हैं, लोग कैसे भी आते हैं वो खैर अलग बात, लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या होता है, दूसरे दिन 1 मिलियन व्यू बढ़ा, 5 लाख बढ़े, 2 लाख, मतलब एक तरीके से पूरे वहीं के वहीं रुक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में लेकिन यहाँ देखिए आप मतलब क्रेज़ इस कदर का देखने को मिल रहा है कि पहले दिन देखिए भैया 18 मिलियन 32 मिलियन 43 मिलियन उसके बाद सीधे 53 और आज देखिए वो तो 60 क्रॉस कर गया है। ज़बरदस्त तरीके से खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है भैया, और ये जो सॉन्ग को लेकर कंट्रोवर्सी उसका भी हालांकि फ़ायदा मिल रहा है, न्यूज़ चैनल वगैरह सब जगह लोग देख रहे हैं, तो उसके बाद यूट्यूब पर भी आगे देख रहे हैं। खैर वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए खतरनाक भैया स्पीड से चल रहा है सॉन्ग, लाइक्स वगैरह भी आप देखिए 1.5 मिलियन से ऊपर लाइक्स, 15 लाख से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं, शानदार रिस्पॉन्स है, 2 लाख कमेंट्स वगैरह हो गए। और मुझे लगता है अभी आप देखिए सलमान खान की फिल्म जो आई थी राधे उसका सॉन्ग था सीटी मार, मतलब बॉलीवुड और भी ऐसे सॉन्ग्स पे आए हैं भैया 100 मिलियन जल्दी, लेकिन वो एल्बम सॉन्ग्स और वो सारे सॉन्ग्स रहे हैं म्यूज़िक कंपनीज वगैरह के। पर्टिकुलर फिल्मों की यदि बात की जाए तो उसमें राधे फिल्म का सीटी मार सॉन्ग है जिसे 10 दिन 1 घंटे में 100 मिलियन लाइक्स हुए थे, उसका रिकॉर्ड मुझे लगता है ये तोड़ देगा भैया बेशरम रंग, और 2 से 3 दिनों बाद ही यानी कि टोटल 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर भैया 100 मिलियन व्यूज़ पार करके एक नया रिकॉर्ड रचेगा।